फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको बैक नेक में डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो ये बैक पार्ट का हम कटिंग करके रखे हैं और ये कॉटन वाला ब्लाउज है। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं वो यहाँ पे जो लाइन है इसको मोड़ करके यहाँ तुरपाई करने के लिए रखे हैं। अगर आप अस्तर वाला पे बना रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, दो पॉइंट ज़्यादा ही रखिए, इतना डेढ़ इंच यहाँ पे हम ज़्यादा रखे हैं तो ये डेढ़ इंच ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम गला के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 48 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पर गला का जो चौड़ाई है हम रखेंगे 2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये टोटल हम शोल्डर रखे हैं 6 इंच। अगर आपको ये तीरा इसका कम करना है तो इसको और कम करना है, यहाँ पे 5.5 या 5 रख सकते हैं, लेकिन इधर से कम नहीं करना है। गला के साइड से ये जो 2 इंच है ये 2 इंच ही लेना है चौड़ाई इसका। तो इसके बाद यहाँ पर गला का डीप हम रखेंगे 12 इंच, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएंगे और 3.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर मिला लेंगे। ऐसे अब इस निशान को इस निशान पे इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डीप गला है तो इस साइड से हम इसको तिरछा कट करेंगे, 1/2 इंच तिरछा लिया। अब इस निशान पे कट कर ले रहे हैं। इस तरह से गला का कटिंग कर लिए हैं और अब इसका पट्टी हम निकालेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से बचा है उसमें से हम निकालेंगे। तो इस तरह से इसको रख लेंगे, यहाँ पे सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम छोड़ लिए हैं और यहाँ से इसको सेम रख के निशान लगा लेंगे ऐसे। और अब यहाँ से थोड़ा चौड़ा 1.5 इंच का ही चौड़ा इस तरह से निशान लगा के और कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई करके स्टिच कर लेंगे। देखिए कॉर्नर को मिलाते हुए और यहाँ पे पिन लगा लिए हैं और यहाँ पर स्टिच किए हैं, इसको फैला करके दोनों साइड से रखकर और पिन लगा लिए हैं। अब इसमें सिलाई करेंगे। देखिए कॉर्नर के पास में कट लगाएंगे। कट लगाते हुए ध्यान देना है, ये सिलाई जो किए हैं ये कटना नहीं चाहिए, बस जस्ट छूकर रहेगा। तो इसी तरीके से सभी कॉर्नर कट कर लेंगे। कॉर्नर कट करने के बाद पाइपिंग वाला थ्रेड लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पलट के और पाइपिंग कर लेंगे। देखिए सिलाई यहाँ पे इस निशान पे लगाना है।
पाइपिंग लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन के लिए एक छोटा सा स्क्वायर कपड़ा लेंगे और ये इसको थोड़ा सा हम कट कर ले रहे हैं और अब इसको इस तरह से मोड़कर पोटली बना लेंगे। इसको बीच में ऐसे रखेंगे और इस तरह से राउंड करते हुए और इसको बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से बांध लेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये पोटली बना लेंगे। तो इस तरीके से हम और भी बना लेते हैं, हम बना लिए हैं पोटली बटन। अब इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे और थोड़ा थोड़ा दूर पर ऐसे गैप दे करके रखते जाएंगे और यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। तो ये पोटली बटन लगाने के लिए ये फुट हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए चेंज करके सिंगल फुट लगा लिए हैं। अब यहाँ लगाना स्टार्ट करेंगे तो इस साइड से हम नहीं लगा पाएंगे, देखिए इधर से यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस साइड से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे जगह छोड़ लेंगे सिलाई का और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए डोरी बना करके रखे हैं पहले से ही और यहाँ पर निशान लगा लेंगे और डोरी लगा लेंगे। इस तरह से ऐसे रखेंगे बराबर में जो निशान लगाए हैं यहीं पे डोरी लगाना है। डोरी लगा लिए, अब दोनों तरफ से टक्स लगाएंगे और यहाँ पर मोड़ करके अभी हम कच्चा सिलाई लगा दे रहे हैं, बाद में हेम करने के टाइम में उसको खोल देंगे। इस तरीके से ये डिजाइन बन गया है और पीछे इसका यहाँ पर मोड़ करके तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।